अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान रेलवेज़ की एसी स्लीपर क्लास की 2% एंड 4% कैबिन्स की बुकिंग के हवाले से है। दोस्तों, मैंने फेसबुक पर पाकिस्तान रेलवे से रिलेटेड 25 से 30 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए। तो तकरीबन डेली रात के टाइम न्यूज़ फीड देखते हैं, तो उन ग्रुप्स में जो भी पोस्टिंग लोग करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जिसका आंसर हम कर सकते हैं उसका कर भी देते हैं। किसी की कोई मदद हो जाए या किसी को नॉलेज मिल जाता है हमारे उन आंसर्स से, तो उस लिहाज से मैं काफ़ी बार कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ कि जी एसी स्लीपर की बुकिंग हम तो नहीं कर पाते। और साथ कई लोग मेंशन करते हैं वो अफसरों को उसकी बुकिंग मिलती है, आर्मी वालों को, रेलवे के अफसरों को, डॉक्टर्स को, मीडिया वालों को। ये भी 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के देख रहा था, पोस्ट वगैरह। और ऐसा हुआ कि मेरी वीडियो पे ही, ये जो मैंने रिसेंटली 2 माह पहले 2% कैबिन का रिव्यू दिया, तो किसी ने उस पर कल रात को कमेंट किया कि जी आपको टिकट कैसे मिल जाती है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और उसने सर लिखा कि ये आर्मी वालों को इसकी टिकट मिलती है, अफसरों को इस तरह का। तो पहली बात तो ये है कि मैं कोई अफसर नहीं हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं खुद वेब डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो मैंने पाकिस्तान रेलवेज़ की जो एसी स्लीपर क्लास है उसमें 2% कैबिन में 6 बार ट्रैवल की है, ठीक है। और मैंने ऑनलाइन अवेलेबिलिटी वेबसाइट के ऊपर pakrail.gov.pk और पाकिस्तान की रेलवेज़ की जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने हमेशा बुकिंग से पहले 1-1.5 माह पहले मैं अवेलेबिलिटी चेक कर लेता था। और अपने दिन जो हैं वो फ्लेक्सिबल रखा करें। जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल अभी 1 मई है, आपने 28 जून को जाना है, तो आप जो फैमिली के साथ प्लानिंग करते हुए या दोस्तों के साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें। आप 28 जून की अवेलेबिलिटी एसी स्लीपर में चेक करें, नहीं मिलती या आपको 2% कैबिन नहीं मिलता, 4 मिलता है, आपको 2 चाहिए, तो आप 28 की जगह 29 चेक कर लें, 26 चेक कर लें, 27 आपको किसी ना किसी दिन में मिल जाएगी। अब ये 3 से 4 ट्रेन में सिर्फ एसी स्लीपर की एक कोच लगती है, उसमें 12 सीट्स होती हैं, जिसमें आई थिंक 2 जो हैं कैबिन वो 4% है और बाकी उसके अंदर होते हैं 2% और बाकी जो 2 हैं वो 4% होते हैं। तो आपको 2-1.5 माह पहले प्लान बनाना पड़ेगा। एमरजेंसी में आपको इसकी सीट्स नहीं मिलेंगी, बाय चांस आपकी किस्मत हो तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेंगी। ये 1.5-2 माह पहले वालों को ही मिलती हैं। तो आपको पहले अपना डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने बोला है फ्लेक्सिबिलिटी उसकी एक बनानी पड़ेगी, ठीक है। कि जी अगर 28 की नहीं मिल रही तो 26-27 1-2 दिन आगे पीछे करके कोई ना कोई ऑनलाइन आप चेक करें तो अवेलेबिलिटी उसकी होगी, तो उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अवेलेबिलिटी देख के आप ऑफिस में चले जाएंगे, तो वहाँ जाके आप बुकिंग करवाएंगे, तो आप उनको पेमेंट कर देंगे, वो आप प्रिंट करके टिकट भी दे देंगे आपको। जो ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे वो आपके ईमेल पे टिकट की PDF भी भेज देंगे और मैसेज आपके नंबर पर आ जाएगा। आप मैसेज दिखा के भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो ईमेल के थ्रू रिसीव होने वाली टिकट को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उधर जाके बुक करवाएंगे वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। मैंने दोनों तरीक़ों से बुकिंग करवाई है, मैंने अवेलेबिलिटी ऑनलाइन देखता था और मैं ऑफिस जाके बुक करवाई है 2-3 दफ़ा, और इसी तरीके से मैंने मतलब ऑनलाइन बुकिंग भी करवाई है ऑनलाइन पेमेंट करके, तो ईजीली मुझे तो टिकट मिल जाती थी। और मैं इस वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एप्लीकेशन में आपको अभी 1 मई है तो 1.5-2 माह बाद की अवेलेबिलिटी दिखाऊंगा कि 1.5-2 माह बाद एसी स्लीपर में सीट्स मिलती हैं कि नहीं, ताकि लोगों को पता चल सके कि अवेलेबल होती हैं। सुनी सुनाई बातों पर आप ध्यान ना दिया करें, इससे अच्छा है कि आप YouTube पर सर्च कर लिया करें, लोगों से पूछ लिया करें, अच्छे मशवरे आपको देने वाले देंगे। तो ये इसके बाद मैं वो वीडियो शेयर कर दूँगा आपको कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं आज से 2-1.5 माह बाद की सीट्स की, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि अवेलेबल होती हैं, हमेशा सोल्ड आउट नहीं होती। और मैं जीता जागता सबूत हूँ, जो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल भी हैं कि मैंने एसी स्लीपर में कितनी बार ट्रैवल किया, ठीक है। तो दोस्तों शुक्रिया,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग देख सकें, और इसके बाद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें ताकि आपको प्रूफ मिल सके कि इसके अंदर अवेलेबिलिटी होती है और बुकिंग आप कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, लेकिन 1.5 से 2 माह पहले प्लान करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ उन दिनों में आपको टिकट मिल जाएगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखें आगे। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवेज़ की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो ये डिस्प्ले आता है। आपने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, अगर नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन का अपनी ही कर लें और उसके बाद आप साइन इन करें तो ये डिस्प्ले आ जाएगा, और यही यूज़र पासवर्ड आपका pakrail.gov.pk ये वेबसाइट पर भी यूज़ हो सकता है, और ये सेम काम करती हैं, बस वेबसाइट और एप्लीकेशन का ही फ़र्क है। यहाँ पर सर्च ट्रेन में आपने फ्रॉम स्टेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर जंक्शन सेलेक्ट किया है, और डेस्टिनेशन में आपने कराची कैंट सेलेक्ट किया है, एंड अभी 1 मई है तो हम 1.5-2 माह के बाद यानी जून में आखिर की तारीखों में से हम फॉर एग्ज़ाम्पल 23 को सेलेक्ट करते हैं, 23 जून को, और इसको हम सेलेक्ट करके सर्च करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि खैबर मेल में एसी स्लीपर आ रही है, ये सोल्ड आउट हो चुकी है, यानी कि 1.5-2 माह पहले इसकी बुकिंग हो चुकी है। फिर नीचे देखें आप, तेजगाम में एसी स्लीपर मौजूद है, ये भी सोल्ड आउट है। फिर पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एसी स्लीपर शो हो रही है, ये भी सोल्ड आउट है। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि ये पाक बिजनेस का एसी स्लीपर मुझे कभी भी अवेलेबल शो नहीं हुआ। मैंने पता किया था, उन्होंने कहा कि ये क्लास पाक बिजनेस में डिसकंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन ऐप और वेबसाइट पर शो होती है लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, और यही चीज़ शालीमार जब बहाल थी पहले उसके साथ भी थी, उसमें भी अवेलेबल नहीं थी लेकिन वो शो करते थे वेबसाइट और एप्लीकेशन में। ठीक है, मैंने ख़ुद कराची एक्सप्रेस के स्लीपर में एसी स्लीपर में ट्रैवल किया हुआ है, तो इसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। ये देखें 8 सीट्स अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, आप अंदर जाएं, ये देखें 2% कैबिन बुक हैं, 4% अवेलेबल हैं। अब आप इधर ही रुक जाएं, हम डेट चेंज कर लेते हैं, हम 23 जून की जगह 22 जून सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको सर्च करते हैं, हैबर मेल में नहीं अवेलेबल, एसी स्लीपर जो है तेजगाम का उसमें भी नहीं है, पाक बिजनेस भी नहीं है, एंड कराची एक्सप्रेस का एसी स्लीपर ये देख सकते हैं, इसमें 10 सीट्स अवेलेबल हैं। ये देखें, इसमें 4% सी कैबिन अवेलेबल है, 4% डी कैबिन अवेलेबल है, एंड इसमें आप देखें ई कैबिन 2% का भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बैक करते हैं, फिर हम इसमें जाके 22 की जगह हम एंड से 28 जून सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सर्च ट्रेन्स में जाएंगे तो खैबर मेल में जाते हैं, इसमें देख लें कोई अवेलेबल नहीं है, तेजगाम में अवेलेबल है आप देख सकते हैं, इसमें 4% वाले अवेलेबल हैं इस टाइम, और पाक बिजनेस में कोई अवेलेबल नहीं है, और कराची एक्सप्रेस का देखें इसी स्लीपर में 12 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें देखें 2 4% और 2 2% वाले नीचे कैबिन अवेलेबल हैं, और एक ऊपर वाले 2 A और B पहले ही बुकड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1.5-2 माह पहले अगर हम बुकिंग करवाते हैं तो अवेलेबिलिटी होती है 2% कैबिन्स की, लेकिन आप जैसे इधर देख सकते हैं कि 1 से 2 कोच लगी हुई हैं, वो भी 2-3 ट्रेन में, तो इसकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत डिमांड में होता है ये। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए, तो सुनी सुनाई बातों से ग्रेज करें और आप लोग भी ऐसे बुकिंग इसकी करवा सकते हैं।